हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी A06 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन में ना वाईफाई को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, वो भी विदाउट पासवर्ड, यानी बिना पासवर्ड के। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन का ना क्विक पैनल ओपन करना है। ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे तो ये पैनल आता है। इसमें देखिए जो वाईफाई का आइकन है ना, इसे उंगली से दबा के रखना है और आपका ये पेज आएगा। इसमें आपको नीचे डिटेल का ये ऑप्शन है, डिटेल पर सिलेक्ट करना है तो ये वाईफाई का पूरा पेज ओपन होगा। अब आपको यहां पर ना पहले तो इस वाईफाई को बटन को चालू कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सबसे ऊपर ये स्कैनर का आइकन है, स्कैनर के इस आइकन पे सिलेक्ट करना है तो ये आपका ना वाईफाई का स्कैनर ओपन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, सामने वाले पर्सन का वाईफाई का जो QR कोड होगा ना, उसे आपको स्कैन करना है अपने इस स्कैनर से, जिससे आपके फोन में वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है वाईफाई को कनेक्ट करने का विदाउट पासवर्ड का। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि सामने वाले पर्सन के मोबाइल फोन में वाईफाई का QR कोड कहां पे आपको मिलेगा। देखिए, सामने वाले पर्सन के मोबाइल फोन में आपको सर्च करना है, सामने वाले पर्सन के मोबाइल फोन में ना वाईफाई के इसी पेज पे आ जाना है, ठीक है। अब देखिए, जो सामने वाले पर्सन का वाईफाई कनेक्टेड होगा ना, इस तरीके से लिखा होगा कनेक्टेड, तो कनेक्टेड वाईफाई के सामने सेटिंग का आइकन होता है, इसे सेलेक्ट करना है। अब देखिए, सामने वाले पर्सन के मोबाइल फोन के इस वाले पेज में ना नीचे QR कोड का ये ऑप्शन मिलेगा, या फिर आपको शेयर लिखा हुआ भी दिखाई दे सकता है। इन दोनों में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है तो QR कोड सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले QR कोड को अपने वाईफाई के स्कैनर से स्कैन करना है, जिससे आपके फोन में वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा बिना पासवर्ड के, ठीक है।